बीजेपी शिवसेना की तकरार के बाद अब बात करते हैं एनसीपी और कांग्रेस की। पिछले काफी दिनों से कांग्रेस और एनसीपी के बीच भी सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनी है और आखिरकार अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने एनसीपी को दो दिन का अल्टीमेटम दिया है। सीएम चव्हाण ने साफ कर दिया है कि या तो दो दिनों में सीटों का बंटवारा हो वरना कांग्रेस 288 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने को तैयार है। अल्टीमेटम, दोस्ती में दरार, चव्हाण का अल्टीमेटम, दो दिन में हो सीटों का बंटवारा। सियासत में अब नफा नुकसान रिश्तों पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र सियासत में कुछ ऐसा ही हो रहा है। पहले एनसीपी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के बीच तकरार की खबरें आईं, नौबत चव्हाण की कुर्सी जाने तक आ गई, जैसे तैसे मामला सुलझा, लेकिन अब सीट बंटवारे पर पेच फंस गया है। कई दिनों की रस्सा कस्सी के बाद आखिरकार सीएम चव्हाण ने एनसीपी को दो दिन का अल्टीमेटम दिया है। नहीं, मेरे ख्याल से दो तीन दिन में इसका अंतिम फैसला हो जाएगा और मेरी अभी जो प्राथमिकता है कि हमें पूरे 288 जगह पे हमको ताकत से लड़ना पड़ेगा, चाहे किस दल का प्रत्याशी होगा वो दो तीन दिन में फैसला हो जाएगा, लेकिन हमें पूरे महाराष्ट्र में हमें राष्ट्रीय पार्टी है और हम ताकत से जो हमारे सेक्युलर विचार है उनको पुरजोर तरीके से लोगों के सामने रखेंगे। पृथ्वीराज चव्हाण का साफ कहना है कि अगले दो दिन में सीट बंटवारे पर तस्वीर साफ होनी चाहिए वरना कांग्रेस महाराष्ट्र की 288 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण का कहना है कि सीटों पर बंटवारा सीईसी की बैठक में होगा। सीईसी मीटिंग में फैसला अंतिम होगा। ठीक है, एनसीपी के सीट जो दोनों के बीच में जो सीट का एडजस्टमेंट है वो भी मामला एक अंतिम स्तर पर है, का दो दिन दिन में इसका भी फैसला हो जाएगा, तो बिल्कुल सब ठीक चल रहा है। साल 2009 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 288 सीटों में से कांग्रेस ने 174 सीटों पर चुनाव लड़ा और एनसीपी ने 114 सीटों पर, लेकिन इस बार एनसीपी बराबर सीटें मांग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। और एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, खबरें अभी और भी हैं, आप रहिए हमारे साथ।